तो लो जी आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी तरीके से बनने वाली उड़द धुली दाल, तो जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उड़द धुली दाल बनाने की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं किरण चौधरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल किरण चौधरी यूट्यूब क्रिएटर में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द धुली दाल, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। तो ये कुकर में एक विसल से तैयार हो जाती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है इसको बनाने का। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है फ्रेंड्स हमारी, तो यहाँ मैं डाल दूँगी देसी घी। तो मैं दाल देसी घी में बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ और जो कि बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी कड़छी मैंने यहाँ पर देसी घी की डाल दी है, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी और उसमें मैंने देसी घी एक बड़ी कड़छी मैंने डाल दी है और देसी घी हमारे यहाँ पे गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ उड़द दाल, धुली उड़द दाल, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी होती है और इसको बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाती है ये और बिगनर्स के लिए भी बहुत ईजी है इसको बनाना, जो कि एक सीटी में बन जाती है। तो मैं आज बना रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में देसी घी गरम कर लिया है, तो देसी घी हमारा गरम हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ डाल दूँगी मैं साबुत धनिया, जीरा, एक टेबलस्पून जीरा, इसको मैं अच्छे से थोड़ा पका लूँगी मैं हल्का ब्राउन होने तक। तो ये हमारा हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसमें डाल दूँगी मैं अदरक जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, पतला पतला लंबा लंबा। दो मीडियम साइज प्याज डाल दूँगी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को ब्राउन होने तक मैं पकाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गाय का घी यूज़ कर रही थी, देसी घी, गाय का देसी घी, जिसमें दाल बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने एक बाउल उड़द दाल ले ली थी मैंने, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसमें एक विसल मैंने कुकर में लगाई है उसको, और दाल हमारी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी चने की दाल जो होती है वो मिला सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक दो बड़े चम्मच के लगभग मैंने दो इसमें चने की दाल ऐड करी है। तो चलो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ तड़का हमारा तैयार हो रहा है, तो प्याज को मैंने ब्राउन होने तक इसको यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ टमाटर को मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो मैं इसमें मिला देने वाली हूँ टमाटर को, मैं अच्छे से पका लूँगी। एक चम्मच डाल दूँगी अगर नमक, तो नमक हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल सकते हैं। तो टमाटर हमारा यहाँ पक चुका है, तो देख सकते हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाल देनी है हल्दी पाउडर, तो मैंने यहाँ दो छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच, धनिया पाउडर दो छोटे चम्मच, जीरा पाउडर अच्छे से इसको सॉटे कर लूँगी। तो एक टेबल स्पून मैंने यहाँ ले लिया गरम मसाला, तो वो डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। स्पाइसेस को मैं अच्छे से भून लूँगी एक मिनट तक, ताकि इसमें जो स्पाइसेस है हमारे टमाटर में प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ मुझे लगभग एक मिनट हो चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें दाल जिसको मैंने बॉइल कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छे से बॉइल हो चुकी है,
तो इसको मैंने एक बिल्कुल ही लगा लिया मैंने कुकर में, और इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। दाल को मैं पहले 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको, और 1 से 2 मिनट तक इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पर। इसकी फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है ताकि हमारे ये जो स्पाइसेस हैं अच्छे से मिक्स हो जाए दाल में। तो दाल को लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लें, और अगर रोटी के साथ खानी है तो थोड़ा पानी कम डालें। तो मैं इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी। बॉयलर इसको उबलने दूंगी अच्छे से, इसमें जब तक इसमें अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता मैं तब तक इसको बॉईल करूंगी। तो यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी हींग का तड़का। तो चलो पहले तड़का लगाते हैं। तो मैं लगाऊंगी अब तड़का। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 1 चम्मच डालूंगी मैं देसी घी। तो आज की जो दाल है मैं बिल्कुल देसी घी में मैंने बनाई है, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल, किसी में भी, पर मैंने यहाँ देसी घी में बनाई है। बिल्कुल हेल्दी दाल बनाई है मैंने, और बिल्कुल हेल्दी वर्जन में बनाई है। तो अब मैं लगाती हूँ तड़का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 चुटकी मैंने ले लिया हींग, तो हींग को डाल दूँगी मैं इसमें। तो यहाँ डाल दूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, और इसका लगाऊँगी मैं चॉप। गैस की फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ। तो इसको ढक के मैं 1 से 2 मिनट तक ऐसे रहने दूँगी। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी दाल, देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल रेडी है उड़द धुली दाल। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब मैं करूँगी इसको गर्मा गर्म सर्व। अगर आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और इसमें डाल दूंगी मैं ग्रीन लीफ, कोरिएंडर लीफ है ये, ग्रीन ग्रीन, तो बहुत अच्छा लगता है ये दाल में, तो आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और मैं अब इसको करूँगी गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व।